ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। आप इनके सभी कार्यों को अच्छी तरह से संपन्न करना प्रभु। हाँ जानकी, आप लोग जिंदगी में आगे इसी तरह और ढेर सारे मकान बनाना और कॉन्ट्रैक्टर मुझे ही रखना। मेरे बनाए मकानों में रहने वाले सभी खुश रहते हैं। ये लीजिए आरती। ठीक है ठीक है। ओहो, मैं तो भूल ही गया था, आप तो मन ही मन में प्रार्थना कर लेते हैं ना। जरा इधर आइए। हाँ, प्लान सब ओके है ना? सब ओके है, एकदम फर्स्ट क्लास। वो देखिए वहाँ ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन। और मेरा पर्सनल रूम कहाँ है? ये है, लेकिन एक तकलीफ है। क्या तकलीफ है? इस पर नाक का घर है ना, इसलिए मजदूर इसे तोड़ने से डर रहे हैं। अरे ये तो सिर्फ नाक का घर ही है, 14 माले की बिल्डिंग थोड़े ही है ये। बिल्डिंग तो तोड़ सकते हैं, लेकिन नाक का घर तोड़ा गया तो नाक दोष हो जाएगा। अरे ये नाक दोष वाक दोष कुछ नहीं है, सब डर रहे हैं ना, मैं ही तोड़ देता हूँ। आप तोड़ सकते हैं, आप ही का तो घर है ना, संभल कर। अरे क्या कर रहे हो, नाक का घर मत तोड़ो, उनके लिए पूजा करके फिर आगे का काम शुरू करेंगे। बोलिए नहीं, मेरे हिसाब से जानकी की बातों में दम है, जरा सोच कर देखिए। सोचना क्या है हा? इस देश में पूजा के नाम पर कुछ भी चलता है और कुछ भी चलता है धर्म के नाम पर। देखो जानकी, मैं तुम्हारे किसी काम में दखल नहीं देता, और सुनो तुम भी मेरे किसी काम में दखल मत देना। सुनिए, यहाँ जो भी करना है आप कीजिए। ठीक है। ए, आज खुशी के मौके पर तुम दुखी क्यों हो, जाना है कि नहीं? ठीक है, जाती हूँ। चलो मैं आता हूँ। ए, अरे जानकी, आज सुबह से देख रहा हूँ कि तुम बहुत गुमसुम सी हो, क्या बात है, कुछ तो बोलो। तुमने ठीक नहीं किया। जो कुछ भी किया उसे याद नहीं रखना चाहता, और वैसे भी मैंने गलत क्या किया है? तुमने नाग देवता का घर तोड़ा है। देवता, हर किसी की पूजा होती है आजकल, और इसकी कोई लिमिट नहीं। जानकी, जिसे हम देख नहीं सकते उसे भगवान मानकर पूजा करते हैं। ओके, करंट भी दिखाई नहीं देता तो उसे छुओ, उसकी पूजा करो। जैसे ही छुओगी ना तो शॉक लगेगा, मर जाओगी। जिंदगी इतनी आसान नहीं है। ऐसी बातें क्यों करते हो? तो फिर कैसी बातें करूं? वैसे मैंने गलत क्या कहा है? कभी न दिखने वाले तुम्हारे भगवान को ये पसंद है वो पसंद है कहकर गणेश भगवान के नाम पर मोदक का भोग लगाकर खाते हो तुम लोग, और माँ दुर्गा के नाम पर बलि चढ़ाकर उसका मांस खाते हो। श्री कृष्ण को मक्खन पसंद है ये कहकर खाते हो तुम लोग। तो फिर शिव जी को जो पसंद है जहर, वो खाओ, वो क्यों नहीं खाते हो तुम लोग? केस ही क्लोज हो जाएगा। प्लीज रवि, तुम इस तरह मत बोलो, हमसे भी बड़ी शक्ति है और वो है भगवान। अब बस भी करो, पत्थर को भगवान मानकर लोग उसकी पूजा करते हैं तो घर के सामने पड़े पत्थरों को क्यों नहीं पूजते? बाथरूम में भी पत्थर है उनको पूजो, और रास्ते में भी माइलस्टोन है। ए सुनो, अगर पूजा करने लगोगी तो यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक पूजा करते हुए जाना पड़ेगा। अब मैं तुमसे एक बात कहने वाली हूँ, लेकिन तुम उसका बुरा मत मानना। कहो। तुम्हारी माँ औरत है और तुम्हारी बहन भी औरत है, मैं भी एक औरत हूँ। तुम जिस तरह से मुझसे पेश आते हो, क्या उनके साथ भी ऐसे ही पेश आते हो? जानकी, पहले ही कहा था बुरा मत मानना, अब एक क्यों? देखो जानकी, अब तुम चाहे कुछ भी कह लो, ये सोच मेरे खून में मिली हुई है। जानकी, हम लोग के आर्गुमेंट में ही सारी रात बिता देंगे, और भी कितने जरूरी काम पड़े हैं, ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। जानकी, तुम अंधेरे में भी सुंदर लगती हो। अरे ऐसे नहीं, देख मैं तोड़ता हूँ। बहुत अच्छा, नागराजपुरी में स्वागत का तरीका अलग ही है। चलो देखते हैं कौन है। ये क्या? वो पत्थर मेरे कंधे की बजाय मेरे सर पे गिरता तो फिर फट जाता। आप एक अधेड़ आदमी है, साथ में हाथी की तरह बेटा और आधे इंच का दूसरा बेटा, आपको ऐसी हरकत शोभा नहीं देती? आप गलत समझ रहे हैं, साथ में खड़े रहने का मतलब ये नहीं कि ये दोनों मेरे बेटे हैं। अगर इनकी माँ को सुनाई देता ना तो अभी तक आपको मार ही डालते। ठीक है, आप लोग स्कूल नहीं जाते क्या? हम लोग स्कूल जाते हैं, पर टीचर हमें नहीं पढ़ाते। टीचर स्कूल में आते जरूर है, पर हमें सिखाते कुछ नहीं। ये महान टीचर कौन है, मैं भी तो जानूं। वो मैं ही हूं। आप एक टीचर है, पढ़ाने के बजाय आप इनके साथ बेहुदा खेल खेलते हैं। पढ़ लिख कर क्या करेगा, डिग्री मिलेगी ना, फिर एक मामूली नौकरी के लिए धक्का खाएगा।
नौकरी तो नहीं मिलेगी, पर मौसी का थप्पड़ खा खा कर एक दिन बूढ़ा हो जाएंगे। इससे तो अच्छा गांव में रहकर पुरखों की जमीन का देखभाल करें, खेती बाड़ी करके अपना गुजारा आराम से कर सकते हैं लोग। अच्छा आप बताइए आप कौन है? मैं इस गांव का नया टीचर हूँ। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, आप इस गांव के नए शिक्षक है ना, इसलिए आप पर तरस खाकर हंस रहे हैं। अच्छा आप खड़े कहाँ हैं बताएंगे? क्यों सामने तो खड़ा हूँ, दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई देता है पर हर 5 मिनट में सीधा नहीं दिखाई देता। ये क्या है? पैर है। नहीं हाथ है। अरे बाप रे, उंगलियां इतनी लंबी पर पैर की उंगलियां इतनी लंबी कैसे? पानी मिलेगा यहाँ? स्कूल कहाँ है? नहीं मिलेगा, पहले यही स्कूल था लेकिन पानी में डूब कर बह गया। वहाँ एक पेड़ है, अब वही यहाँ का स्कूल है। मुझे वो पेड़ तो दिखाइए। दिखाते हैं, जल्दी चलिए, कहीं कोई उस पेड़ को काट न ले। ये इनका सूटकेस उठा। अरे सुनिए, उस लड़की के गले में तो सांप लटक रहा है। सांप? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देता क्या? कभी कभी दिखाई नहीं देता। आप फिक्र मत कीजिए, वो अच्छा सांप है, इसकी भी लंबी कहानी है। आप आइए मैं बताता हूँ, इसे जरा आगे जाने के लिए कहिए। राजा चल। कौन है ये? नए दिख रहे हैं? इस गांव के नए टीचर आज ही आए हैं। अरे आप तो अकेले ही काफी थे, फिर ये क्यों? ये मेरे हिस्से का बचा हुआ काम पूरा करने आए। सुनो, ये जो सांप गले में, इसने कुछ कर दिया तो? डरो मत, इस गांव में ये नाच 100 सालों से है। जब तक कोई न छड़े किसी को कुछ नहीं करता। इस लड़की का परिवार के लोग बरसों से इस नाग देवता की देखभाल करते आ रहे हैं। अगर किसी ने गलत काम किया तो नाग उसे जिंदा नहीं छोड़ता। इनके माँ बाप कौन है? किस सांप का माँ बाप कौन है मुझे कैसे पता? सांप के नहीं, लड़की के। क्या रे आते शुरू कर दिया आपने? मैंने इस लड़की के माँ बाप के बारे में पूछा है। अच्छा आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं खूब समझ रहा हूँ। उस लड़की का नाम पता जानना चाहते हैं ना? तो सुनिए, इस देवी का नाम है गौरी। बाप रे, ये लड़की अब क्या करती है? सांप को गले में लटका कर खड़ी है। मेरा मतलब इस गाँव में क्या करती है? ये कुछ काम नहीं करती। अब आप आ गए ना तो इसका काम भी चालू हो जाएगा। कौन सा काम? प्यार का। ए क्या बात कर रहे हो? हिंदी में। गांव को मत बिगाड़ो, नए टीचर हो पढ़ाओ, शक्ल तो देखो हीरो बनता है। सर स्कूल उस तरफ है, चलना नहीं है क्या? चलिए ना भाई, लड़की देखकर अटक गए। शांति हमें गौरव दिलाता है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर गलती करे तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए। और गुरु कैसे हो? ठीक हूँ। काली परी बैठ जा। बैठो। क्यों सर? आप तो एक टीचर, याद है या नहीं? क्यों नहीं याद है ना, हर महीने पगार दे लेता हूँ। बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनके साथ खेल रहे हैं, आपको जरा भी शर्म नहीं आती क्या? अरे 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 अरे, मैं खेल नहीं रहा था। इसकी वजह से इस गांव में अनाज की कमी हो गई है। अगर ये दुबला हो गया तो अनाज की कमी नहीं रहेगी, इसलिए मैं इसे गेंद खेलने के जरिए दुबला होना सिखा रहा था। आपको कोई इतराज है? मेरे हिसाब से तो इतराज नहीं होना चाहिए। मैं चलता हूँ, कोई आएगा खेल मेरे साथ? मैं भी आऊंगा। क्या आप खेलना चाहेंगे मेरे साथ? हैं? नहीं ना। अच्छा अच्छा चल, मोटे चल चल। हाँ तो कहाँ छोड़ा था? गेंद में छोड़ा था। ए, पढ़ाई को कहाँ छोड़ा था? मैंने नहीं, इन्होंने फेंका। अब तक ये दुबला नहीं हुआ, यही बोलने वाले हैं ना? पर इस बार बॉल नहीं दूंगा मैं। आप खुद खेलेंगे क्या? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, कोई गिर गया है क्या? नहीं नहीं, सर का फेंका हुआ बॉल आटे में गिर गया। कौन से आटे में? लड़की के आटे में। इडली का आटा, गेहूं का आटा, पूरी का आटा जानता हूँ, लेकिन लड़की आटा नहीं सुना। क्या ये गाँव वाले नया आटा बनाने लगे हैं? अरे ये गौरी है ना, इसके हाथ में क्या? मेरा आटा खराब करके दांत निकाल रहे हो? क्या है कि पहली बार आटा से गुथा हुआ चेहरा देखा ना, इसलिए हंसी रोक नहीं पाया। तुम्हारी वजह से मेरा आटा खराब हो गया। आप कहे तो आटा पिसवा देता हूँ। अभी आटा पिसवाना चाहता है, फिर कुछ दिनों बाद पलके पिसवाना चाहेगा, फिर साथ में गाना गाने का दिल करेगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। मेरी माँ बॉल वापस दे दो। माँ नहीं, कुछ वापस नहीं मिलेगा, जाओ। गौरी बहन मेरी खातिर तो दे दो। तुम्हारे खातिर दे रही हूँ, लो। और तुम यहाँ से जाना नहीं, नहीं तो नहीं बचोगे। लड़की के लिए आटा पिसा कर देने को तैयार हो गए, क्या आप मेरे घर का भी आटा पिसवा कर देंगे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ जनाब, जवाब क्यों नहीं देते भाई? सर चलना नहीं है क्या?
अरे संभाल के नीचे बच्चे बैठे हैं। जा रे, एक मरेगा तो 100 आएगा। देश में अनाज से ज्यादा तो बच्चा पैदा हो रहा है। तू परेशान मत हो, चल। तुम लोग एक भी सवाल का जवाब नहीं देते हो। पहले टीचर ने कुछ नहीं सिखाया क्या? क्या सिखाया? आज वो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए वो? आइए, आपने इन्हें क्या सिखाया? एक भी सवाल का ये जवाब नहीं दे पाते। अरे कोई ढंग का सवाल तो पूछिए, फिर देखिएगा कि कैसे फटाफट जवाब देते हैं। ऐसा क्या? ठीक है, ए मोटूराम खड़े हो जाओ। ए, इनके सवालों का जवाब फटाफट देना, समझा? बताओ, भारत को आजादी कब मिली थी? फटाफट। हमारे स्कूल के सारे बच्चे बड़े होशियार हैं। आप अगला सवाल पूछिए। ताजमहल किसने बनाया था, बोलो? क्या सोच रहे हो तुम लोग? पिछली बार तो मैंने सिखाया था ना कि ताजमहल मजनू ने बनवाया था। मजनू ने? पता नहीं, लेकिन मैंने नहीं बनाया। क्या सर, आपने क्या सिखाया? इनका तो दिमाग ही नहीं है। माफ करना, मैंने बच्चों को ये सिखाया कि समाज की तकलीफों का सामना कैसे किया जाता है, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। उसी हिसाब से प्रश्न पूछिए। अच्छा? जवाब जरूर मिलेगा। ए टिंगो, इधर आ। धर्मात मैं हूँ ना। जनक राजा का धनुष किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा सर, सच कहता हूँ, मैंने नहीं तोड़ा। नहीं नहीं नहीं, इसने नहीं तोड़ा, ये कैसे तोड़ सकता है? अच्छा ये बताइए, सम्राट अशोक ने सड़क के किनारे पेड़ क्यों लगवाए थे? सड़क के बीच में पेड़ होगा तो एक्सीडेंट तो होगा। अरे अरे, ये भी नहीं पता। देखो, हमारे गांव के बच्चों का भला बुरा मत कहो। मैंने किसे भला बुरा कहा? हाँ, कहा है, तब से तुम इन्हें डांट रहे हो। अब मैं पूछती हूँ, तुम जवाब दो। शाबाश, अच्छी कंपटीशन है। एक लड़की के सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, ऐसा हो सकता है? पूछो। अच्छा सुनो, 10 उंगलियों में गेंद घुमाकर, 5 उंगलियों से छुपाया भासकर, सूरज से रिश्ता रखकर, आग से खेलूंगी मैं, कौन हूँ? ए नागराज, ठीक है ना? एक टीचर होकर भी तुम्हें इसका जवाब मालूम नहीं, कमाल है। घर जाकर जवाब ढूंढ के रखना, ठीक है? एक लड़की ने आपका अपमान कर दिया। अगर ये सवाल उसने मुझसे पूछा होता ना, क्या जवाब देते? मुझे नहीं मालूम, और क्या। मैंने सोचा फुटबॉल है। तो पढ़ाई शुरू करें? सर, पहले आप उसके सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। हाँ। दस उंगलियों से गेंद घुमाकर। गुरु, इस टीचर का कुछ करना होगा। क्या करेगा? सिर्फ सवाल पूछता रहता है। पहले का टीचर तो ऐसा नहीं था, इसे तो मजा चखाना होगा। अरे यार, पहले का टीचर अच्छा था, सवाल नहीं पूछता था, एग्जाम नहीं लेता था, घर का सब्जी मंगवाता था, कपड़े धोने के लिए बोलता था। अरे यार, वो तो बहुत अच्छा था, ये तो बात खड़ूस है, इसको काम नहीं छोड़ेंगे। एक खाली फोकट चिल्ला मत यार, दिमाग शांत करके सोचो, सोचो कि क्या करें। आइडिया, अगर हम नए टीचर और गौरी की शादी करवा दे तो कैसा रहेगा, बोलो? अच्छा सोचा तूने, इससे तो टीचर स्कूल में नहीं आएगा एग्जाम भी। इसके अलावा ये होगा कि वो दोनों लव सॉन्ग गाते रहेंगे, हम देखेंगे। वो सब तो ठीक है, पर उन्हें मिलवाया कैसे जाए, ये तो सोचो। रानी, इस गांव में सभी लड़कियों की शादी हो गई है, मीनाक्षी दीदी की शादी भी पिछले महीने हो गई, सिर्फ हमारी गौरी बेचारी की अभी तक शादी नहीं हो पाई। हम लोगों ने मिलकर ये तय किया कि उसकी शादी हम सब मिलकर कराएंगे। रानी, रानी ये लेटर लेके उस चश्मीश टीचर को दे देना। ये काम कर दो। चला गया राजा, 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 आ गए तुम? अब ध्यान से मेरी एक बात सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ? ए राजा, अपना टीचर है ना, वो होटल का खाना खा खा कर पतला हो गया है, देखना। अब टीचर शादी करेंगे तो ही घर का खाना खाएंगे ना, है कि ना राजा? लड़की कौन है पता है? अपनी गौरी बहन, कमाल की जोड़ी है।
मत मानना गौरी, मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूँ। इस गांव में मैं बिल्कुल नया हूँ, तुम जानती हो यहाँ बस सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है। आज शाम को नील पहाड़ के पास आना, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तुम्हारा चश्मिश टीचर। अब तुम जाओ। रानी, हाँ, अपना तो काम बन गया। लेटर है, मैं प्यार की पढ़ाई पढ़ना चाहती हूँ, आप पढ़ाएंगे क्या? आजकल काम में मन नहीं लगता, जब से आपको देखा है सिर्फ आपकी ही याद आती है, दिन को न चैन है, रात को न नींद है, आपकी अपनी शौरी। छे गौरी, रानी आज मैं जरूर आऊंगा, जाके कह देना जितना झगड़ा करती है उतना ही प्यार करती है। जा जा ना, जा जाके कह देना उसे मैं आऊंगा। कहो, मुझे आने में देर तो नहीं हुई ना? मैं तो आपके लिए सारी जिंदगी रुक सकता हूँ। अरे पर एक टीचर होकर भी ऐसी चिट्ठी लिखते हुए शर्म नहीं आई आपको? क्या मैंने लिखा? क्या बात कर रही हैं आप? देखिए, ये मैंने नहीं लिखा है, ये देखिए, ये लेटर, ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी, ये लेटर मैंने नहीं लिखा है। आपने नहीं लिखी तो फिर किसने लिखी? लिखा? मैंने कहा ना मैंने नहीं लिखी। मैंने कहा ना मैंने नहीं लिखा है। मैंने नहीं लिखी। हाँ? गांव वालों सभी सुनो, इस गांव के रिवाज के अनुसार शाम के 6 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं आएगा, आज पूर्णमासी है। ये नगाड़ा क्यों बजा रहा है? पूर्णिमा की रात किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये हमारे गांव की रिवाज है जो बरसों से चली आ रही है। वो क्यों? वो क्या है कि नाग हर पूर्णिमा की रात को अपनी नागमणि को निकाल कर बाहर रख देता है, और इस सूरत में इन्हें देखना अशुभ माना जाता है, इसलिए हम गाँव वाले सदियों से इसका पालन करते हुए आ रहे हैं। ऐसा क्या? और नहीं तो क्या, तुम्हें समझाने तक तो दूसरी पूर्णिमा आ जाएगी। चलो चलते हुए बात करते हैं। क्या सेठ, बाहर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? अफ्रीकन डायमंड, इंडियन डायमंड, अमेरिकन डायमंड देख देख कर, बेच बेच कर, भेज भेज कर पक गया मिस्टर अभी। तो आप क्या चाहते हैं सेठ जी? क्या आप एलिजाबेथ के क्राउन के कोहिनूर जैसे हीरे गिनना चाहते हैं? कोहिनूर से भी कीमती हीरा हमारे देश में है, तुम्हें पता है क्या? हमारे देश में? मैं बताता हूँ। से भी कीमती हीरा? मिस्टर रवि, नागराजपुरी गांव में एक नाग के पास नागमणि है, हर पूर्णमासी के रात वो नाग अपना मणि को बाहर लाकर रख देता है। ऐसा क्या? ऐसा ही है सेठ, द
तब तो उस नागमणि को मुझे हासिल करना ही होगा, जल्दी ही। ये क्या सामान क्यों पैक कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बिजनेस टूर पर, बाहर जा रहा हूँ। शादी के दिन से ही पूछती आ रही हूँ कि तुम्हारा बिजनेस क्या है, पर तुम तो बताते ही नहीं। देखो जानकी, मेरे बिजनेस के बारे में कभी मत पूछना। सुनो, मैंने कभी तुम्हारे लिए कोई कमी छोड़ी है? तो क्या अब मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा? अरे एक बार तो होकर आने दो, फिर देखना तुम्हें सोने चांदी से लाद दूंगा। मेरे लिए सोना चांदी मत लाना, मैं ऐसे में ही खुश हूँ। मेरे लिए गजरा लेकर आना। कहा भी तो सिर्फ गजरे के लिए। अरे तुम कहो तो दुनिया के सारे फूल तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूं। जो मर्जी हो ले आना, पर पप्पी से काम नहीं चलेगा। वो क्यों? होने वाले बच्चे का इससे मन नहीं भरेगा। क्या बात कर रही हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब तो पता चल गया ना, फिर भी जा रहे हो, यहाँ अकेले मेरा दिल नहीं लगेगा। बात सुनो, ये बिजनेस टूर कैंसिल कर दो ना। हे, मैं हवा की तरह जाऊंगा और तूफान की तरह वापस आ जाऊंगा। बच्चा पैदा होने से पहले चले आना, मेहरबानी होगी। अरे एकदम फटाफट आऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। ओके, सुनिए सुनिए सुनिए, इस गांव का नाम नागराजपुरी है ना? आप लोग कौन है? आप लोगों को इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। हम दोनों बर्मा से आए हैं। पैसा लेकर? क्या पैसा लाए? इसके लिए इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हम दोनों बचपन में ही गांव से भाग गए थे। इस गांव में हमारे मामा रहते हैं, हम उन्हें देखने आए हैं। कौन मामा? उसका नाम तो पता होगा ना? मेरे पैदा होने से पहले ही उनका नामकरण हो गया था, इसलिए नाम नहीं पता। दिखने में कैसा है वो तो पता होगा ना? बचपन में देखा था, याद नहीं है। कैसे रिश्तेदार हो तुम लोग? ढूंढने वाले तो हम लोग हैं, फिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है? और भाई कैसे हो? माँ बाप सब ठीक है ना? अरे भाई ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अरे बाप रे, ये भाई नहीं, ये तो बहन जी है। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं मुझे, वरना बेवकूफ समझ लेता। चलो अच्छा हुआ। वहाँ पर देखो, वहाँ एक उल्लू खड़ा है, चलो उससे चलकर पूछते हैं, शायद उसे पता हो हमारी मंजिल कहाँ है। मामा! ये क्या मामा? ये कैसे मामा? इस गांव में तो कोई मुझे मामा बोलने वाला नहीं, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। क्यों मामा, ऐसे क्या सोच रहे हो? अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचानते तुम? याद है बचपन में हम लोग यहाँ से बर्मा भाग गए थे? अच्छा, जो बचपन में बर्मा भाग गए थे, तुम वो वाले भांजे हो? क्या मामा मजाक कर रहे हो, हमें नहीं पहचानते? मेरे भांजे? मामा! मेरे भांजे? मामा! मामा, इस गांव में देखने के लिए कौन कौन सी जगह है मामा? पेरिस का एफिल टावर, कलकत्ते का शहीद मीनार, उससे बड़ा और क्या है? दिल्ली का कुतुब मीनार। ओहो मामा, कौन है रे? अभी समझे मामा? ये क्या है रे? ऐसे दिखाएंगे तो पता नहीं चलेगा, और अच्छा दिखाओ। इस गांव में नाग का बिंब भी है। तुम लोग बर्मा वाले हो ना? मामा अभी आपको ठीक से समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया भांजे, बिल्कुल समझ में आया कि तुम क्या जानना चाहते हो। और बोलो, नाग भीम के साथ नाग का जहर भी होता है, वो ध्यान में रखना। मामा इस गांव का नाग और नाग मणि बहुत मशहूर है। हर पूर्णमासी की रात नाग और नागिन लिपटा लिपटी करते हैं, जैसे कि लड़की करते। मामा वो नाग का घर कहाँ है बताओ ना? रा रा रा, ये भी नहीं पता। और बम्बू के पीछे वाला तंबू, और तंबू के पीछे वाला बम्बू के पीछे। वो नाग का घर कहाँ है? जहाँ भी हो आज ही हमें ढूंढना होगा। हाँ आज ही ढूंढना। अरे बाप रे, सुन लिया इसने? नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं सुना। अच्छा हुआ। माल आगो महाराज, पाँव आगे कीजिए, आपके चरण धोने। क्या हुआ महाराज? गरम पानी डालकर मेरा पैर जला दिया। पानी बहुत गरम था? आप कहें तो मैं कोई दवाई वाई का इंतजाम करूं? कोई बात नहीं, मेरा पैर ऐसे ठीक हो जाएगा। महाराज हमारे गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई, कुछ कीजिए महाराज। बच्चा जल्द से जल्द यहाँ बारिश आएगी, बिजली भी गिर सकती है, समझ गए ना? तेज हवा चलेगी, आंधी आएगी, चलचला आएगा, कुदरत का करिश्मा देख सकोगे। कहीं आप रेडियो स्टेशन से तो नहीं चले आ रहे हैं? महाराज आपके चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती है ना? तुम गलतियाँ बहुत करते हो। गलतियाँ नहीं करूँगा तो सीखूंगा कैसे? तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है। मुझे भी बताइए ना। अब जब कभी गलती करो मुझे याद कर लेना, फिर तो मैं डर जाऊंगा।
तो क्वार्टर पी लो। विस्की जिन रामिया ब्रांडी क्या पियो? धीरे बोलो। अरे धीरे क्यों बोलूं? आप है तो डर के। तुम मेरा मतलब नहीं समझे? अरे अरे यहाँ सब लोग हैं, सब सुन रहे हैं, इसलिए धीरे बोलूं। भक्तगणों आज आशीर्वाद का दिन, कल फिर से मैटनी शो होगा, जाओ जाओ तुम लोग जल्दी। समझ गए, कल फिर। सुनो बच्चा, यहाँ नाक का बिल कहाँ है? यही आपने भी पूछा। और किसने पूछा? आप साहब के बिल के बारे में जानना चाहते हैं ना महाराज? वो पीपल के पेड़ के नीचे वहाँ साहब का बिल है। अच्छा, उस पेड़ के नीचे। अरे सच्चिदानंद स्वामी का यहाँ क्या काम? ध्यान करने के लिए एकांत की तलाश में आया हूँ। स्वामी के भेष में तुम लोगों को फंसा सकते हो, लेकिन हम दोनों को नहीं फंसा सकते, क्योंकि तुम यहाँ जिस काम के लिए आए हो, हम भी उसी काम के लिए यहाँ आए हैं, और तुम यहाँ अकेले आए हो, लेकिन हम दो यहाँ पर आए हैं, और बेहतर होगा कि तुम हमारा साथ दो, क्योंकि हम दोनों एक ही काम के लिए यहाँ आए, और दोनों एक ही बिरादरी के हैं। मैं भी तुम्हारी बिरादरी का हूँ। अरे यार, ये भी चोरी करता रहता है, खुद ही तो बोल रहा है। तो ये बात है, तुम भी नागमणि की तलाश में हो, यानी हम तीनों को एक ही चीज की तलाश है। करेक्ट। वो बात तो ठीक है, लेकिन किसी को ये पता चल गया तो हम फंस जाएंगे। नागमणि को चुराने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन उसे बेचकर जो माल मिलेगा उसके तीन बराबर हिस्से होंगे। अगर मंजूर है तो बोलो, फिर काम को आगे बढ़ाएं। ओके ओके। जय बोलो सच्चिदानंदम। तू नागिन मैं सफीर। आप कौन है? स्वामी जी, ये गरीब इस गांव का पहरेदार है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बच्चा, तुम बहुत यश कमाओगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, अब जाओ। अच्छा। मैंने इसे आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन इस पर नजर रखनी पड़ेगी, तुम पे नजर रखूंगा।
बेचैन रहना है मुझे नींद नहीं आए, बेचैन रहना है मुझे नींद नहीं आए। पास आओ गले से लगाओ ओ मेरे सजना, नाग नागिन जैसे मिले पुनर्मा से कीरा। तुम बिन नहीं हो मैं दास किसी और की, कुछ भी मैं ना जानू बातें किसी की। कोई कुछ भी कहे पर तुम ही मेरे चारा चर, रक्षा के धरोहर ओ मेरी देवी। तुम बिन नहीं हो मैं दास किसी और की, कुछ भी मैं ना जानू बातें किसी की। पर हम लोग सिर्फ नागमणि को चुराने आए हैं। हाँ। उसके लिए हमें अगली पूनम की रात तक रुकना पड़ेगा। तब तक हम यहाँ क्या करेंगे? परेशान क्यों होते हो? हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो जल्दी पूरा हो जाएगा। उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? अगली पूर्णमासी के अंदर हम उस नाग को चुरा कर अपने यहाँ ले आएंगे और उस नाग के माथे से मणि चुरा लेंगे। अच्छा आइडिया है, लेकिन नाक को चुराएंगे कैसे? जल्दी क्यों करते हो? उसी प्लान के बारे में कहूंगा। कौर से सुनो। ये क्या है दोस्त, तुम प्लान बताने की जगह बीन सुना रहे हो? इस बीन की आवाज को सुनते ही नाग जहां कहीं भी होगा दौड़कर टेप रिकॉर्डर के पास आ जाएगा, और एक बार जैसे ही वो सामने आया काम खत्म। मैं उसे यूं आसानी से पकड़ लूंगा। क्या बकवास आइडिया है, पागल हो गए हो क्या? नाग को पकड़ना कोई बच्चों का खेल है? वो ऐसी पकड़ में आ जाएगा, काटेगा नहीं? नाग काटेगा है? वो भी मुझे। क्यों नहीं? ये देखो मेरे हाथ पर। ये है बाज का निशान। ये निशान मेरे हाथ पर होने तक कोई सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये निशान पैदाइशी मेरे हाथ पर है, इसीलिए तो मैं सांपों के मामले में इतना बेफिक्र रहता हूं। तुम निश्चिंत रहो, मैं नाग को जिंदा रहते ही अपने कब्जे में कर लूंगा। तो समझ लो हमने नाग को पकड़ लिया। रवि सच्चिदानंद स्वामी। स्वामी कल ही हम लोग उस नाग को खत्म करेंगे। ओके ओके। Cheers!
सुनो, इस जगह पर बहुत देर तक लोगों का आना जाना नहीं रहता। अच्छा मौका है, काम शुरू कर सकते हैं। हम भी आ रहेंगे। तू अभी अकल है तुझमें? हम लोगों को तो रहना ही होगा यार। ए मंदिर मूर्ति, अब तू जाकर टेप रिकॉर्डर वहां रख और चालू करके आ जाना। हम लोग झाड़ के पीछे जाकर छिप जाते हैं। जल्दी जाओ। अब चालू करो। चालू कर दिया। अब जल्दी आओ। आता हूं। चलो चलो चलते हैं। चलो। से मुकाबला करने के लिए बीन बजा रहा है। जो भी ये बीन बजा रहा है उसे ढूंढना पड़ेगा। चलो खड़े मत रहो, तुम लोग उधर जाओ, मैं इधर जाऊं। चलो चलो। क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? ए, कुछ पता चला कौन बीन बजा रहा था? नहीं यार, नहीं कौन आ सकता है? नहीं यार, वो देख उस तरफ। अरे टेप रिकॉर्डर तो गायब है। जरूर कोई हम लोगों के साथ चाल चल रहा है। वो देखो टेप रिकॉर्डर। ये टेप रिकॉर्डर यहाँ कैसे आ गया? ए मंदिर मूर्ति, इसे जरा ऑन करके देखो। ये तो कुत्ते की आवाज है। ये कैसे? ओ ए, टेप ऑफ करो। ओह क्या है ये सब?
मुझे क्या पता, मैंने तो बीन की आवाज रिकॉर्ड की थी। ऐसा कौन कर सकता है? यही तो राज की बात है। इसकी कहानी खत्म करनी ही पड़ेगी मुझे। सुनिए, इन्होंने आप पर हमला क्यों किया था? मैं नहीं जानता, पता नहीं ये लोग कौन थे, पर मदद के लिए शुक्रिया। ठीक है। ये क्या हो गया? ये क्या? ये पेपर वाले उल्टा कब से छापने लगे? पेपर उल्टा नहीं छापा गया है, आप ही उल्टा पढ़ रहे हैं। ऐसा क्या लगता है? मेरा दिमाग का बल्ब फ्यूज हो गया है। अच्छा, ये बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारी शादी की बात कर रही है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी करवा के जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। ये क्या, खड़े खड़े यहाँ कुआं मत खोदो, नहीं तो सारे गांव वाले यहाँ पानी भरने चले आएंगे। बात सुनो, अब शादी के लिए तैयार हो जाओ। वो टीचर बहुत अच्छा इंसान है ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी शादी उसी से करवा दूं। सुनो सुनो सभी सुनो, आज पूर्णमासी है, इस गांव के रिवाज के अनुसार शाम 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं आएगा। आज पूर्णमासी है,
चाहे जैसे भी हो नागमणि को चुराना होगा। ए राजा इधर आ। आज पूर्णमासी है पता है ना, गांव में ऐलान किया गया है कोई बाहर नहीं जाएगा, चल अंदर चल। तुम लोग मेरे नाक को मार रहे हो, मत मारो, मत मारो, छोड़ दो मुझे।
चलो 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 मेरी वाइफ कैसी है? अभी कुछ बताना मुश्किल है। मुबारक हो, आपको लड़की हुई है। सब ठीक है ना? हाँ, लेकिन उसकी आंखें नीले रंग की हैं। नीली आंखें? हाँ, बिल्कुल नाक की तरह। नाक के जैसी आंखें? दीनू, दीनू। हाँ मैम साहब। ये लो और स्कूल जाओ। लेकिन मैं तो कभी आज तक स्कूल गया ही नहीं। अरे तुम नहीं, रानी को ले जाने वाला रिक्शा नहीं आया, तुम उसे संभाल कर स्कूल छोड़ाना। जी मैम साहब। अरे बाप रे, अब मुझे भाग भाग के 1.5 माइल जाना पड़ेगा। रानी बेटी जल्दी करो, देर हो जाएगी, देखो स्कूल पहुंचना है हमें। अरे क्या हुआ क्या? रानी बिटिया इस तरह ऐसे 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 सांप की तरह लहरा के चल रही थी। रानी ये क्या कह रहा है? माँ मैं डांस सीख रही हूँ इसलिए ऐसे चल रही थी, ये देख के दीनू चिल्लाने लगा। अरे दीनू तुम कभी नहीं सुधरोगे, मैं तो डर गई थी। अब बक्सा लेके खड़े मत रहो, जाओ स्कूल। हेलो मैं रवि बोल रहा हूँ। मैं सुनीता बोल रही हूँ। हाँ बोलो। तुमने नागमणि किसी पार्टी को दिखाने के बारे में कहा था, उस बारे में कुछ हुआ क्या? इसीलिए तो मैं आ रहा हूँ ना। उसके लिए मैं और मंदिर मूर्ति इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम दोनों को रास्ते में से पिकअप कर लूंगा, तीनों मिलकर पार्टी को चीज दिखाएंगे। अगर उसे माल पसंद आ गया तो उसी समय हाथों हाथ कैश पेमेंट भी कर देगा वो। वेरी गुड। हाँ रखता हूँ। पिछले 6 सालों से मैं और मेरे पार्टनर तुझे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, अब जल्दी ही हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। रुकिए। ओह क्या बात है रानी? आप मुझे छोड़कर अकेले कहाँ जा रहे हैं? रानी मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। मैं आपको जाने नहीं दूंगी, मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। सुनो रानी, डैडी को बहुत काम है, जल्दी पहुँचना है। अरे सुनो जी, कितने प्यार से बोल रही है, ले जाओ ना। ठीक है आओ। डैडी आप मुझसे भाग नहीं सकते। बक बक बंद कर, चल। ये लोग कौन है जो हाथ दिखा रहे हैं? वो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी साथ ले जाना है। रुको रुको रुको, रुको, रुको। आजा आजा जल्दी जल्दी आ जल्दी। बड़ी प्यारी बच्ची है, किसकी है? हे मेरी बेटी है यार। ओह क्या नाम है तुम्हारा? रानी। यार रवि तेरी बच्ची की आंखें एकदम नीले रंग की हैं। वो तो बचपन से ही ऐसी है, लेकिन तुम लोग लोकसभा के स्पीकर की तरह क्यों पूछ रहे हो? मैं अंकल के पास नहीं बैठूंगी। क्या बात है बेटी? बैठूंगी। क्यों चिल्ला रही हो? मैं अंकल के पास। डैडी क्या हो गया बेटी तुमको? Hey, बच्ची तेरा भयानक चेहरा देखकर डर रही है, जरा जगह बदल कर बैठ जाओ। अब ठीक है?
रानी ये ड्रेस बहुत अच्छा है, आप मुझे पपी दोगी? पहले अंकल को, उसके बाद आपको, बाद में डैडी को। ऐसे क्यों बोल रही हो? सबको पप्पी दूंगी ना, इसलिए ऑर्डर से बोल रही हूँ। ए, जिस सेठ की बात कर रहा था उसका घर आ गया, गाड़ी बाहर ही रोकता हूँ। अरे जिस सेठ के बारे में तुमने कहा था उसे तो पुलिस ने पकड़ लिया। बहुत दिनों से पुलिस को उल्लू बना रहा था, आज पकड़ा गया, जल्दी छुटकर आएगा, तब मिलेंगे। हम किसी और को बेच दें तो? छे, इसके अलावा इतनी बड़ी रकम इस शहर में और कोई नहीं दे सकता, समझ गई? इसके लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। करेक्ट। हाँ हाँ, कल चलो, नहीं तो पुलिस हमें भी पकड़ सकती है। मैं हूं इस स्कूल और तुम सबका नया टीचर। मैं तुम लोगों के साथ एक दोस्त की तरह रहूंगा। अब मैं तुम सबको पढ़ाऊंगा। आज का विषय है भूगोल। दीवार पर टंगे इस मैप पर हम अपने देश को देख सकते हैं। यहां पर तुम में से बहुत से ऐसे भी होंगे जो बाहर गांव तो गए होंगे। तुम लोगों को आज अपनी मनपसंद जगह के बारे में बताऊंगा मैं। शारदा, तुम्हारी पसंदीदा जगह? कश्मीर। वेरी गुड। मीनाक्षी, तुम्हारी पसंद की जगह? मदुराई। मुझे गर्व है तुम लोगों पर। तुम्हारी पसंद की जगह? बताओ बेटी, तुम्हारी पसंद की जगह? नागराजपुरी। नागराजपुरी? तुम कहाँ की बात कर रही हो? जहाँ कभी आप टीचर हुआ करते थे, उसी नागराजपुरी की बात कर रही हूँ। ये तुम्हें कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है, धीरे धीरे आपको भी सब पता चल जाएगा। तुम्हारा नाम रानी है ना? नहीं, नागरानी। नागरानी? रजिस्टर बुक में तो रानी लिखा है। लेकिन मुझे नागरानी नाम ज्यादा पसंद है। अच्छा बैठो। मेरा खाना तो अभी तक आया ही नहीं। हाँ? बैठ। अरे राजा, आज स्कूल में पढ़ाते वक्त रानी नाम की एक बच्ची सवालों के जवाब फटाफट दे रही थी। सिर्फ यही नहीं, जहां हम रहते थे वो नागराजपुरी, उसके बारे में भी जानती है। मैं तो चौंके गया था। खा। ए राजा, मैं भी बोल रहा था ना, वो बच्ची रानी, वो देख। ए, क्या हुआ तुझे? अंडा चाहिए, ये ले। इंसान तो जो हुआ उसे भुला देता है, लेकिन तुम जानवर होकर भी मुझे नहीं भूल पाए। राजा, मैंने तुझे जो अंडा दिया तूने उस बच्ची को दे दिया। अच्छा, वो बच्ची तुझे नागराजपुरी के बारे में कुछ कह रही थी क्या? ले पकड़। दीनू, ये लो। जी मैम साहब। देखो, इसमें दूध है, इसे जाकर नाग देवी को चढ़ा दो। ओ, आज शुक्रवार है ना? अरे वाह, आज मैं अपनी आँखों से नाग देवी का अभिषेक देख पाऊंगा। ये क्या लेके जा रहे हो दीनू? दूध बिटिया। इतना दूध अपने लिए?
मेरे लिए नहीं, आज शुक्रवार है ना। मैम साहब ने कहा ये दूध लेकर मंदिर जाकर नाग देवी का अभिषेक करवा के आओ। मैं वहीं जा रहा हूँ। नाग देवी के लिए मंदिर में चढ़ाने से अच्छा होगा तुम मुझ पे चढ़ा दो। क्या कहा तुम पर? मुझ पर? आ? क्या कहा? हाँ, मैं उधर बैठती हूँ, तुम मुझ पे चढ़ाओ। अब फंस गया। आओ दीनू, आओ दूध चढ़ाओ। दीनू क्या कर रहे हो? रुक जाओ, पागल हो गया तुम? चढ़ावे का दूध तुम बच्चे पर डाल रहे हो? मैम साहब, बिटिया ने डालने को कहा, मैंने डाल दिया। उसने कहा क्योंकि वो बच्ची है, पर तुम्हारी अकल कहाँ चली गई थी? चलो रानी जी। रानी मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलोगी? नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं। अरे मैं प्यार से पूछ रही हूँ, कुछ तो बोलो। ठीक है, फूल लाओगी माँ? फूल? मोगरा फूल लाओ? नहीं। रोज फ्लावर? नहीं। रात रानी? नहीं। अच्छा तो तुम ही बोलो। तालम फूल। तालम फूल? ये तो सांपों को पसंद है। क्यों माँ? सांपों की पसंद मेरी पसंद नहीं हो सकती? तुम सांप से डरती हो माँ? मुझे क्या डर है, मैं तो नाग देवता को पूछती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम पढ़ो, मैं फूल लेकर आती हूँ। ठीक है, पढ़ो। हेलो, मैं मंदिर मूर्ति बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। जल्दी बताओ, पार्टी रेडी है ना? पार्टी कैश के साथ तैयार है। अगर तुम नागमणि साथ में ले आओ तो हम बिजनेस की बात कर सकते हैं। हम तुम्हारा स्ट्रीट कॉर्नर पर इंतजार करेंगे। मैं आधे घंटे के अंदर वहां पर आ रहा हूँ। बाय। क्या बात है रानी, यहाँ बैठी हो, खेलने नहीं गई? सबके साथ खेलने से ज्यादा मुझे आपके साथ खेलना बहुत पसंद है। ये क्या कह रही हो? पड़ोस वाली सहेली बाहर गई है, माँ शॉपिंग पर गई है, अब आपके सिवा मैं किसके साथ खेलूं? अरे मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता बेटी, समझा करो। ओके, मुझे अकेले घर में रहते हुए डर लगता है, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे भी साथ लेकर चलिए ना डैडी। रोको 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 रोको, चलो जल्दी आओ। ए रुको, पहले सुनीता को चढ़ने दो फिर तुम चढ़ना। क्यों, तेरी बेटी मुझसे डरेगी इसलिए? अरे खोलना यार, खोल। आजा। इस मणि को 5-6 साल अपने पास रखकर बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं, आज इससे छुटकारा मिल जाएगा हमें, हम करोड़पति बन जाएंगे। रवि, सेठ पैसों के साथ वहां साइड में खड़ा है, गाड़ी वहां ले लो। जब भी उस नागमणि को बेचने के लिए जाते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। यही तो समझ में नहीं आ रहा। क्यों रानी, कहाँ जा रही हो? मंदिर? हाँ। कौन से मंदिर? शिव मंदिर। एक सवाल पूछूं तुमसे, जवाब दोगी? पूछिए। इस दुनिया में कितने भगवान हैं? एक ही भगवान है। तुम कहती हो दुनिया में एक ही भगवान है, तो ये बताओ, एक देवी सिंह के ऊपर बैठी है, एक भगवान मोर के ऊपर है, एक भगवान चूहे के ऊपर है, एक देवी हंस के ऊपर भी बैठी है, ये कैसे हो सकता है? आपके रूम में दादाजी के बहुत सारे फोटो हैं,
एक फोटो में दादाजी खड़े हुए हैं, एक फोटो में दादाजी बैठे हैं, एक में लेटे हैं। तो क्या फोटो की तरह दादाजी भी बहुत सारे हैं? देखिए डैडी, आपके एक ही पिताजी हैं, लेकिन उनकी कई तस्वीरें हैं। अगर एक साधारण इंसान की इतनी तस्वीरें हैं, तो भगवान की भी कई तस्वीरें हो सकती है। इसमें गलत क्या है? शाबाश। क्यों जी, हमारी लड़की ने तुम्हें हरा दिया। मेरी लड़की है ना, इसलिए आर्ग्यू कर रही है। आज नहीं तो कभी ना कभी मैं तुम दोनों की भक्ति उल्टी है साबित कर दूंगा। ये कभी नहीं होगा। रानी, मंदिर जाओ। बेटी किसकी है? मेरी बेटी है। मैंने कल तुम लोगों से पसंदीदा जगह के बारे में चर्चा की थी, आज कुछ भौगोलिक घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। चांद में पहली बार कौन गया था, तुम बताओ। मैं नहीं गई थी सा। साइलेंस। चांद पर पहली बार गए थे नील आर्मस्ट्रांग। वेरी गुड सर। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैंने दिया, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, उसका जवाब आपको देना होगा। हाँ पूछो। 10 उंगलियों से गेंद घुमाकर, 5 उंगलियों से छुपा भासकर, सूरज से रिश्ता रखकर, आग से खेलूंगी, मैं कौन हूँ? 10 उंगलियों में गेंद घुमाकर, 5 उंगलियों से छुपाया भासकर, सूरज से रिश्ता रखकर, आग से खेलूंगी, मैं कौन हूँ? अरे बेटी, तुम तो साधारण बच्चों की तरह नहीं हो, पर तुम कौन हो इसका पता मैं लगा कर रहूंगा। दीनू, दीनू, काम करते करते सो गए क्या? तो क्या हुआ, काम तो चल रहा है ना। अच्छा अच्छा, बाहर रानी की सहेलियां खेल रही है, पर रानी कहाँ है? मैम साहब, 2 दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, रानी बिटिया बाहर खेलने के लिए जाती ही नहीं है, ऊपर के कमरे में ही बंद रहती है, सिर्फ खाने के लिए बाहर आती है, वापस जाकर दरवाजा बंद कर देती है, पता नहीं क्यों। अच्छा, रानी, रानी। हाँ माँ। रानी, तुम्हारी सहेलियां बाहर खेल रही है, तुम वहाँ कमरे में अकेले क्या कर रही हो? तुम भी बाहर जाकर खेलो बेटी। लेकिन मैं क्या खेल खेलूं? ऐसा करो, हाँ तुम चोर पुलिस क्यों नहीं खेलती? ये खेल मुझे पसंद नहीं। क्यों? बस ऐसे ही। अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि तुम मेरी तस्वीर बनाओ। मुझे तस्वीर बनानी नहीं आती, लेकिन आंखों में तस्वीर उतारना अच्छी तरह आता है। तस्वीर उतारना? बहुत बड़ी कैमरामैन समझती है अपने आप को। दीनू, तुम चुप रहो, सारे बच्चे मिट्टी का घर बना रहे हैं, तुम भी जाकर बनाओ। मैंने भी घर बनाया है। घर बनाया है? हाँ माँ, मेरा मनपसंद घर, आओ दिखाती हूँ। चलो। रानी, ये क्या है? मैंने घर बनाया है, अच्छा है ना? ये तो नाक का घर है। तो क्या हुआ माँ, क्यों अच्छा नहीं है? अगर मैं इस घर में रहूंगी तो मुझे ठंड नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, बारिश में नहीं भीगूंगी, मुझे खतरा भी नहीं होगा, है ना माँ? नहीं नहीं, तुम ये घर पर बनाना बंद कर दो, तुम नीचे जाकर खेलो। हाँ, हे भगवान। जानकी, वो ब्रीफकेस। ए, ये क्या है? घर के अंदर बॉम्बी बनाकर उसकी पूजा करने लगी क्या? मैंने नहीं, रानी ने बनाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, ए, इसे आकर साफ कर दो। नहीं नहीं सुनो जी, ना जाने उसने क्यों बनाया, पर इसे मत हटाओ, यही रहने दो ना। बस बस रहने दो, मेरी बात थोड़ी ही मानोगी तुम, कुछ दिन अगर यही हाल रहा तो बच्ची साधु बन जाएगी, देख लेना। रानी, तेरी ड्रेस बहुत अच्छी है। माँ लेकर आई है, चलो चोर पुलिस खेलते हैं। पुलिस कौन बनेगी? मैं, तुम लोग भागो। हाँ ठीक है, चलो चलो भागो। Ah!
अरे ये क्या, ये सब क्या हुआ? पूरे बदन पर चोट के निशान कैसे? हाँ क्या हुआ? बाज ने माँ। बाज ने? हाँ माँ, बहुत दिनों से वो मुझ पे नजर रखता है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ वो मेरे पीछे पीछे आता है। आज मैं खेल रही थी तो मुझ पे चपट पड़ा। आज उसने जो किया उसके लिए मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तुम पुलिस को क्या कहोगी? क्यों? अब तो वो कब का उड़ चुका होगा। उड़ गया था? तुम क्या बोल रही हो, मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। दीनू, दीनू बोलिए मैम साहब। दाल उबल। अरे अरे अरे, ये क्या, ये क्या मैम साहब, ये क्या? बिटिया को किसने चोट पहुंचाई है आप बताइए तो सही, मैं उसका कचुमर निकाल के सूप बना दूंगा। चुप रहो, मैं कितनी परेशान हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। रानी को अंदर कमरे में लेकर जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। जाओ बेटी। आओ बिटिया। अरे बिटिया को कितनी चोट लगी है। हेलो। हेलो डॉक्टर, मैं जानकी बोल रही हूँ। मेरी बेटी रानी को बहुत चोट लगी है डॉक्टर। समझ गया, आप उसे अस्पताल में ले आइए। राजा यहीं बैठ, बैठ जा। रानी, रानी आइए आइए बोलिए। रानी दो दिन से स्कूल नहीं आई, सुना है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए देखने चला आया। रानी है? सो रही है, जगाऊं? नहीं सोने दीजिए, अभी कैसी है? ठीक है, दो दिन के बाद स्कूल जाने लगेगी। बैठिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं रहने दीजिए। ऐसे कैसे जा सकते, पहली बार आए हैं, कॉफी तो आपको पीनी ही पड़ेगी। आप बैठिए, मैं आती हूँ। ए राजा चुप। सर आप? मैं रानी का पिता हूँ, आप यहाँ कैसे? मैं रानी का स्कूल का टीचर हूँ, उसे देखने आया था। मिल लिया ना, अब जाओ यहाँ से। ए राजा चल। रानी के टीचर कहाँ गए? मैंने पूछा टीचर कहाँ गए? किसी कुत्ते को घर में मत घुसने देना। तो क्या वो कुत्ता था? अरे साथ में जो कुत्ता आया था ना उसकी बात कर रहा हूँ। देख राजा, मुझे ऐसा लग रहा कि मैंने रानी के पापा को कहीं देखा है। तुझे कुछ याद आ रहा है क्या? हैं? ए राजा कहाँ जा रहा है? राजा जो मैंने सोचा था वो सही है, ये देख। तो मैंने ठीक सोचा था, इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। मंदिर मूर्ति छोड़ना नहीं से। Thank you.
धन्यवाद, सही वक्त पर आपने मुझे बचाया। तो क्या हुआ, पहले आपने मुझे उन भेड़ियों से बचाया था, आज मुझे इन भेड़ियों से आपको बचाने का एक मौका मिला। That's all. आपका शुक्रिया, मैं चलता हूँ। आप ऐसे नाराज होकर क्यों जा रहे हैं? ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या हुआ? नागराजपुरी से नागमणि चुराने के लिए एक आदमी साधु बनकर आया, दूसरा बर्मा से आया था, साथ में एक खतरनाक हसीना भी आई थी और रखवाले के रूप में एक चोर भी आया था। रखवाला, चोर? ये आप किसे कह रहे हैं? आपको ही बोल रहा हूं। आप सच ही कह रहे हैं? मैं नागराजपुरी का रखवाला बन के आया जरूर था, लेकिन मैं चुराने नहीं आया। पर अफसोस है कि नागमणि चोरी हो गई, साथ में एक खून भी। मैं उन्हीं लोगों को तलाश रहा हूँ। तो फिर आप कौन है? मैं
मैं कौन हूँ बताता हूँ, आइए आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। मॉर्निंग। हाँ तो इंस्पेक्टर, मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको स्मगलरों के बारे में दी थी वो पकड़े गए? आपकी मदद से हम उन्हें पकड़ सके सर, नहीं तो वो लोग भाग जाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई बात नहीं, इट्स माय ड्यूटी। आओ ब्रदर, बैठो। ब्रदर, कोई भी चोर इस तरह इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, अब तो मेरा विश्वास करो। एक्चुअली आई एम अ सीआईडी ऑफिसर। यस, किसी गांव में नागमणि चुराने के लिए कुछ लोग आने वाले थे, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। उनको फॉलो करते हुए मैं आपके गांव में आया, पर मैं उनको पकड़ न सका। उन्होंने किसी तरह नागमणि चुरा ही ली। कभी ना कभी वो लोग कानून के शिकंजे में जरूर फंसेंगे। सॉरी सर, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये मेरी भूल थी। यार रवि, मैं जो कह रहा हूँ उसे गलत मत मानना। नागमणि बेचने की कोशिश में हम आज तक हारते ही आ रहे हैं। अरे जब बिकेगा तभी तो पैसा दूंगा। तू बेच या ना बेच, हमें हमारा हिस्सा दे दे, हम दोनों तेरे से अलग हो जाएंगे। उसके बाद तेरा जो दिल आए वो तू कर। ए, इलेक्शन में हारने के बाद ही लोग भागने की बात करते हैं, लेकिन तू तो चुनाव में खड़े होने से पहले ही भागने की बात करने लगा। ए, ये सब नहीं हो सकता। चुप हो जाओ ना, रवि की बात मानो। सुन रवि, ये सब अब और नहीं हो सकता है। तुझे पहले ही बहुत समय दे दिया, अब और समय नहीं दे सकता हूँ, समझे तुम? नो, नहीं हो सकता। क्या कहा नहीं होगा? जो करना है कर लो। तेरा पक्का फैसला है? रवि, अपना पैसा कैसे लेना है ये मुझे अच्छी तरह आता है। अरे फुटले। सुनीता, चलो यहाँ से। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? जानकी, मैं रवि, मंदिर मूर्ति के घर से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या बात है? मन ठीक नहीं है, आज मंदिर जाना चाहता हूँ मैं। मंदिर जाएंगे? क्या बोल रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे हो? तुम मंदिर मूर्ति के घर पर आ जाओ, फिर हम यहाँ से साथ में ही चलेंगे। ठीक है, अभी आती हूँ, विचार मत बदलना। हे भगवान, मेरे पति को अक्ल आ गई है। रवि, 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 फोन पर तो मुझे बोल रहे थे कि दोनों साथ साथ मंदिर चलेंगे, अब विचार बदल दिया है क्या? तुम? हाँ जानकी। वो कहाँ है? फोन करके उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया था। हाँ, मैंने ही फोन किया था। रवि की आवाज में बात करके तुम्हें यहाँ पर बुलाया मैंने, समझे कुछ तुम? ऐसा क्यों किया? मन ठीक नहीं है, मंदिर जाएंगे। सर आपका फोन है। मेरा फोन? हेलो, रवि बोल रहा हूँ। ओ रवि। मंदिर मूर्ति बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारा हिस्सा मेरे पास है, मेरा हिस्सा तुम्हारे पास है। अपना हिस्सा आकर ले जाओ और मेरा हिस्सा मुझे दे जाओ, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों, समझ गए ना तुम? ए, दिमाग खराब है क्या? क्यों नहीं समझे? तुम्हारी बीवी जानकी मेरे पास है, कुछ समझे? अब जल्दी से तुम 2,00,000 रुपए लेकर मेरे पास आ जाओ, नहीं तो वो नागमणि लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी बीवी को छोड़ दूंगा, नहीं तो उसकी, कुछ समझे? ए, तुम्हारी धमकियों से मैं नहीं डरने वाला, अपनी बीवी को कैसे बचाना है मैं जानता हूँ। छोड़ दो मुझे, बेवकूफ बनाकर मुझे फंसाया। हेलो हेलो, तेरी तो। ये वो जगह है जहाँ से कोई बचकर नहीं जा सकता। अरे आओ, छोड़ो मुझे।
छोड़ दो मुझे, नहीं, छोड़ो, बचाओ, राजा, राजा, क्या बात है, क्या बोल रहे हो, क्या बात है, आखिर हुआ क्या है, चलो चलते हैं। नहीं छोड़ो मुझे, नहीं, 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 कहाँ जाती हो? बचाओ, नहीं, बचाओ। ये तो कहाँ जाएगी? नहीं छोड़ो मुझे, ऐसे काटा इसने जैसे किसी सांप ने काटा हो। रानी तुम अभी बात करने का वक्त नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ मैं कौन हूँ, आओ। माँ रानी, रानी तुम कौन हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम मेरी बेटी हो या नाग रानी, सच बताओ, बोलो मुझे, बोलो, तुम मेरे पेट से पैदा हुई हो, मेरी बेटी हो। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं नाग रानी हूँ। क्या मेरे पति से बदला लेने के लिए आई हो? हाँ। मेरे पति ने क्या बुरा किया है, तुम उन्हें क्यों मानना चाहती हो? क्यों मानना चाहती हूँ, जानोगी? नहीं, मेरे पति ऐसे नहीं हो सकते, तुम झूठी हो। भगवान शंकर की कसम खाकर कहती हूँ ये सच है, मैं उसे भी जान से मार डालूंगी।
सुनो, ऐसा मत बोलो। तुम्हें अगर जान ही लेनी है तो मेरी जान ले लो, उन्हें छोड़ दो। मैं उन शैतानों को मारने के लिए आई हूँ, किसी बेगुनाहों को मारने के लिए नहीं। नहीं रानी, अगर तुम उन्हें मार दोगे तो तुम जानती हो कि मैं भी नहीं जी पाऊंगी। उन्हें छोड़ दो। कभी नहीं, मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे पति की वजह से कितने जाने गई है, जरा सोच के देखो। जानती हूँ, जो उन्होंने किया वो गलत है। तुम्हें नाग देवी मानकर तुमसे प्रार्थना करूं, या बेटी मानकर तुमसे अनुरोध करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम चाहे बेटी का वास्ता दो या नागरानी का, मैं उसकी जान लेकर ही रहूंगी। तुम जानती हो ना, अपने खून को तुम्हें दूध बनाकर पिलाती रही, जो तुम कर रही हो वो गलत है बेटी। जिसने पाप किया उसे सजा तो जरूर मिलेगी। नाग सत्य को मानते हैं, बच्चे प्यार को मानते हैं, तुम तो दोनों हो। मैंने ही गलत किया जो अपने पति के दुश्मन को खिला पिलाकर इतना बड़ा किया, और आज मैं उस दो राह पे खड़ी हूँ जहाँ मुझे पति और बेटी के बीच में से एक को चुनना होगा। विधवा होने से तो अच्छा है कि तुम मुझे अपने ही हाथों से मार डालो। अगर विधाता ने मेरे हाथों में यही लकीर दी है तो मैं इन लकीरों को जलाकर राख कर दूंगी। नहीं माँ, नहीं माँ, ऐसा मत करो माँ। मत बोलो मुझे माँ, माँ कहती हो और अपने ही माँ के सुहाग को खुद मिटा देना चाहती हो तुम। लेकिन मुझे बदला लेना है माँ। अगर मुझे अपनी माँ मानती हो तो अपनी माँ की सुहाग को तुम माफ कर दो। वादा करो तुम मुझसे, वादा करो। जब तक तुम्हारे गले में मंगलसूत्र होगा तुम्हारे सुहाग को मैं कुछ नहीं करूंगी, ये मेरा वादा है। बेटी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाओ, बहुत ही नादान बनती हो। अब जैसे मैंने एक वादा किया है, तुम भी मुझसे एक वादा करो। वादा? कैसा वादा? मैं अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए आई हुई नागरानी हूँ, इस बात का पता किसी को चलना नहीं चाहिए। ये वादा करो तुम। सुनो ए जानकी, मैं तो मंदिर मूर्ति के घर तुम्हें बचाने गया, वहाँ जाकर देखा वो मरा पड़ा हुआ था, ऐसा लगा जैसे सांप ने उसे काटा हो। उन्हें जो पप्पी चाहिए थी वो मिल गई। वो तो मैं बच गई, भगवान ने मुझे बचा लिया। याद आया, तुमसे फोन पर बात करते वक्त मंदिर मूर्ति ने नागमणि के बारे में कहा था, कहाँ है वो मणि? तुमको उससे क्या मतलब? समझ गई, यही है तुम्हारा असली बिजनेस। ए, देखो तुम मेरे बिजनेस के मामले में टांग मत अड़ाना, समझी? तुम्हें जो कुछ चाहिए वो मैं ला कर देता हूँ ना, अब खुश रहो बस। ये खुशी हमेशा के लिए नहीं है, ये मैं जान चुकी हूँ। शट अप। मुझे लगता है तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। सुनो, मुझसे वादा करो तुम गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। देखो जी, ये सब ठीक नहीं, तुम ये सब करना छोड़ दो, मुझसे वादा करो। देखो, ये वादे की बात मत करो तुम, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ और तुम भी कोई छोटी बच्ची नहीं हो, समझी? ये बच्चों की तरह बकवास करके मुझे तंग करना बंद करो। और सुनो, ये गुस्सा बहुत हसीन है। माँ, वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे क्योंकि वो बहुत ही जिद्दी है, मेरी तरह नहीं, वो इंसान है। जानकी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। सुनो जी, मैं जो कह रही हूँ गौर से सुनो। पहेलियाँ मत बुझाओ, जो कुछ कहना कहो। वो क्या है कि हम रानी को ऊटी में पढ़ाएंगे। ए, ऊटी में क्यों पढ़ाएंगे? यहाँ क्या बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है? ऊटी में ऐसा क्या रखा है? बात करती है। वो कह रही थी कि डैडी, मेरे और माँ के बीच में एक शर्त लगी है। माँ का कहना है कि मैं फेल हो जाऊंगी, मैं कहती हूँ मैं पास हो जाऊंगी। तो जरूर पास हो जाएगी, आखिर बेटी किसकी है? ए, तुम इसीलिए इसे ऊटी भेज रही थी? अरे मेरी बेटी है ये, इसके बिना मैं एक मिनट भी नहीं रह सकता। ए, क्या सोच रही हो? सुनो, रानी और मैं एक दूसरे के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकते, क्यों? ठीक है ना बेटी?
बिल्कुल सही कहा, मैं आपको मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी, है ना माँ? ए, ला दूध दो। ये क्या, मुझसे पहले आप पी रहे हैं? ओह, आई एम सॉरी डियर। तुम मत पियो। ए, दूध क्यों ले लिया? वो क्या है कि ये दूध झूठा हो गया था। वादा? क्या हुआ तुम्हारा वादा? ये क्या है, ये इधर गाना गा रही है, तुम उधर दूध छीन रही हो। ए रानी, पापा को झूठा दूध नहीं पिलाती। ओ, तो ये बात है, जा जाके सो जा। मुझे नींद आ रही है, अब गाना गाओ। क्या, मैं तुमको गाना गाकर सुलाऊ? अरे मेरे नाना ने भी कभी गाना नहीं गाया, मैं क्या गाना गाऊंगा। ए, तुम जाकर इसे गाना सुनाओ ना। मैं गाना गाऊं? जानकी, मैं तुमको कोई रेडियो स्टेशन में गाना गाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अरे तुम इसकी माँ हो, तुम इसे गाना नहीं सुना सकती? जाओ सुनाओ। जीने दो, जीने दो, जीने दो, जीने दो, जीने दो।
इंस्पेक्टर, मंदिर मूर्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई क्या? अभी देता हूं सर। कांस्टेबल, यस सर, रिपोर्ट ले आओ। जी सर। ये देखिए सर, नाक के काटने से मौत हुई है। मेडिकल रिपोर्ट यही कह रही है। नाक के काटने से? क्या आप जो कह रहे हैं वो सच है? हाँ, अभी मैं मंदिर मूर्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के आया हूँ। उसकी मौत नाक के काटने की वजह से हुई है। सांप के काटने से? मंदिर मूर्ति जिस जगह में रहता था वहाँ नाक के होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन उसका शरीर नाक के काटने की वजह से पूरी तरह नीला पड़ गया था। ऐसा क्या? मुझे शक उस छोटी लड़की पे है। आप रानी के बारे में बोल रहे हैं? मुझे भी उस पर शक है। उसकी आंखें बिल्कुल सांप की तरह है। वो नागराजपुरम के बारे में बोल रही थी। मुझे लगता कुछ न कुछ तो जरूर है जो हम बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहे हैं। झूठ रूप बदल सकती है लेकिन छुप नहीं सकती। मंदिर मूर्ति का कातिल जरूर पकड़ा जाएगा। वो जो भी है, जहां भी है, कानून की नजरों से बचकर नहीं भाग सकता। मैं इस काम में आपका साथ दूंगा। थैंक यू। हेलो, मैं सुनीता बोल रही हूँ। यार रवि, मंदिर मूर्ति तो बेचारा अब मर गया। जो हिस्सा हम तीनों का था वो अब दोनों का बन गया। अब क्या करना है? मैंने एक पार्टी देखी है, तुम नागमणि को लेकर यहाँ आ जाओ। हम दोनों मिलकर बिजनेस डील कर लेंगे। बस तुम्हारा ही इंतजार है। ओके, मैं अभी होटल स्वर्ग में पहुंचता हूँ। बाय। ओके। वो जो दो हिस्से थे उसे एक बना दूंगी। रवि, मैं तुम्हें स्वर्ग पहुंचा दूंगी। नहीं नहीं, आधा वाला बैठिए। हाँ हाँ, बैठिए ना। हाँ बैठिए ना, बैठिए प्लीज। हाँ?
पिस्तौल दिखा रहे थे तुम हमें, हैं? बेवकूफ समझ रखा है हमें। ए, चल बैग ले ले। Give it to me। हिला नहीं तो शूट कर दूंगा। ए, पीछे पीछे पीछे। ए, चल जल्दी चल। तेरी बात मानकर ही मैं उस होटल में आया था। अगर जरा सी चूक हो जाती तो आज पता नहीं क्या हो जाता। वो तो अच्छा हुआ कि मैं उनकी चाल में फंसा नहीं। लेकिन तुम मेरे जाल में फंस गए हो, क्यों हैरान हो रहे हो ना मिस्टर रवि? हाँ। तुम्हें पत्नी चाहिए या नागमणि? क्या हुआ? पीछे तो देखो जरा। अब फैसला तुम्हारे हाथ, तुम्हें पत्नी चाहिए या फिर नागमणि? Thank you.
तुम्हारे पति की बारी है। नहीं, क्या तुम भूल गई हो कि तुमने मुझसे वादा किया था? ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में होना चाहिए था, जो अब मेरे हाथ में है। अब मैं तुम्हारे पति को मार डालूंगी। अरे नहीं रानी, ऐसा मत कर। ये तो तुम्हारे पापा है ना? पापा? लेकिन सच तो ये है कि मैं अपना बदला लेने आई हूँ। इस तरह नाग देवी बच्ची का रूप धारण करके अपने दुश्मनों से बदला लेती है और नागमणि वापस लेकर भगवान शंकर की शरण में चली जाती है।